यशपाल साहब, आपको थोड़ा मार्गदर्शन करेंगे और आपको बताएंगे रोड कैसा हुआ। इसके मौके पर हमारे जयसवाल साहब ने अच्छी खासी हमको बोले थे और रामेश्वर उन्होंने ये निधि लेने का काम साल भर पहले इस मौके पे इन्होंने डाल दिए थे प्लान में। जयसवाल साहब के पास हम गए थे पर जयसवाल साहब ने बोले वो नहीं प्लान में हुआ तो हम करेंगे। इस मौके पर जयसवाल साहब बोलेंगे दो शब्द। हाँ जी, हाँ, ये कार्यक्रम में उपस्थित श्री जी उधर से हमारे संजय जी, केनेतर जी, भगवान भाई और यहाँ पे उपस्थित सभी ये एरिया के अजीम अजीम नगर सेवक और यहाँ के सब जमेरे लोग, मैं आज यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि भगवान भाई को मालूम है कि हम इलेक्शन पूर्ता एक दूसरे से झगड़ते हैं। इलेक्शन होने के बाद इस शहर का डेवलपमेंट कैसा होगा इसके बारे में हम यहाँ सोचते हैं। आज मैं आपके माध्यम से एकनाथ शिंदे साहब को और देवेंद्र फडणवीस साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ। कम से कम अपने मध्य के अंदर पहले टाइम 200 करोड़ के काम रोड के चालू है। आपको आगे आने को आपको यकीन नहीं हुआ, यहाँ पे मैंने शब्द दिया था मस्जिद के सामने का रोड 3 महीने के अंदर जवान दिया हूँ, बना के दिया हूँ। 3 मस्जिद के सामने के रोड बनाया हूँ। अभी अपने रोजे भाग ईदगाह को 1 करोड़ की निधि अभी यहाँ लाया हूँ, उसका भी काम अभी आ रहा है, 15 दिन के अंदर चालू। क्योंकि शहर में हम जब काम करते समय हर एक को बोलता हूँ, इलेक्शन आएगा जब आप लड़ते बैठो, ये डेवलपमेंट के टाइम किसने वोट दिया तो इनने वोट नहीं दिया किसके बारे में, तो नगर सेवक जैसे काम मत करो, ऐसा काम करो कि अपने को अपना सिटी अच्छा दिखना चाहिए, अपना मध्य शहर अच्छा दिखना चाहिए। इस तरह से काम करने की कोशिश हम करते हैं, हर समाज को साथ काम लेके आज इस शहर के अंदर हम सब लोग काम कर रहे हैं। हम जाए हमने क्या बोला, इस शहर में कई लोग आए, अभी मैं विनंती करूँ हम मुस्लिम समाज के भैया को भी और हम सब समाज से विनंती करते आ रहा हूँ कि आप बच्चे चरस अफीम गांजा गोली वाइटनर इसके नाम में ले जाए तो आप सब लोगों को भी विनती है कि अपने मोहल्ले कमेटी बना के उन बच्चों को नशा मुक्त करो, नशा मुक्त, क्योंकि उससे बढ़िया बात होगी हर समाज के लोगों को। मैं बता रहा हूँ इतने लोगों को उसको समझ में नहीं आ रहा गोली के बाद कि अपने अब्बा का मर्डर कर रहा है, अपने अम्मी का मर्डर कर रहा है, उसको समझ में नहीं। हर समाज के अंदर सब लोगों को ये करना चाहिए, हर बच्चे अपने समझना चाहिए। इसी आपको विनती करता हूँ ये रोड के लोग अर्बन के समय में आप सब यहाँ उपस्थित रहे, थोड़ा सा एक आधा घंटा हमारे अध्यक्ष या हमारे किनेकर जी आप सबको रुकना पड़ा क्योंकि एक महाराज जी का कार्यक्रम है, उसकी एक मीटिंग चल रही थी और सकल मारवाड़ी समाज के लोग मेरे घर पे आए हुए थे, इसलिए उनको आने में लेट होगा, उसके लिए भी आपसे दिल की रिक्वेस्ट करता हूँ। आप सब लोग यहाँ इतने देर खड़े रहे आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद। रास्ते के उद्घाटन के लिए इस शहर के नामचीन अपने आमदार जयसवाल साहब, बोराड़कर साहब और सभी राजूरकर जी और सभी मेरे एरिया के सभी मेरे भाई, आज अभी जमील और रामेश्वर ने मेरे को अभी फोन कर रहे थे कि आज जयसवाल साहब आए, मैं बोला चलो तो आपका सबका अपन सब मैं भी ये गली का हूँ, तो इसके वजह से शुक्र अदा करता हूँ आपका और बहुत बहुत ऐसा ही काम करो, कर अच्छा चल रहा है अपना और सही, तो देखने वाले कौन से नज़र से देखते मुझे पता नहीं है लेकिन अपना नजरिया ना तो गलत नहीं है तो वो अपना नजरिया ना रख के ये काम चल रहा है और सब अपने साथ में है और ये जो बस्ती है ये बस्ती पहले से ही हिल मिलकर चल रही है और बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। आप आए, इतना निधि दिया और मैं बोराड़कर साहब को बोलता हूँ, बोराड़कर साहब जो शहर के वास्ते निधि आने वाला है भारतीय जनता पार्टी बोलकर जिलाध्यक्ष को, उस निधि से आपने 1 करोड़ की घोषणा की तो उतना निधि इधर दे दो, ये सारे हमारे बस्ती के लोग खुश हो जाएंगे और आपको सही तरह से दुआ करेंगे। चलो धन्यवाद। इसके बाद वार्ड क्रमांक खोकड़पुरा महानगर पालिका 2022-23 अर्थसंकल्पनातून अपन या रोड साठी 15 लक्ष ठेवले होते। या कार्यक्रमाचे उद्घाटक म्हणून आपण मध्येचे जे आमदार आहे माननीय प्रदीप जयस्वाल साहेब व भारतीय जनता पार्टीचे शहर अध्यक्ष श्रीजी बोरवकर साहेब, तसेच महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस संजयजी केनेकर साहेब, तसेच आपल्या शहराचे सरचिटणीस समीरदादा राजूरकर, तसेच बाजार समितीचे माजी संचालक गया सेठ बागवान, तसेच या वार्डाचे माजी नगरसेवक सतीशजी कटकटे व सर्व नागरिक, या ठिकाणी मी एकच सांगू इच्छितो की येणाऱ्या काळामध्ये निश्चितपणे जयस्वाल साहेब असतील, केनेकर साहेब असतील, बोरवकर साहेब असतील आपल्या वार्डातील, आता रोड तर झालेले आहे, ड्रेनेज पण झालेले आहे, तरी पण
बाजूचा जो वाड आहे आपला त्यात थोडं काही समस्या आहे साहेब, तिकडं ड्रेनेजची पाण्याची किंवा याची रोडची त्या रोडच्या त्यासाठी पण निधी आपण देण्यात यावे. नकरे भाऊ आहे यांच्या इकडं पण थोडं निधीची कमतरता आहे, त्यासाठी पण आपण निधी द्यावा साहेब एवढी विनंती करतो. आणि आपण सर्व इथं आला त्याबद्दल मी वार्डाच्या वतीने आपलं मनपूर्वक आभार मानतो. धन्यवाद. आज इस मौके पे आप क्या कहना चाहिए कि आज सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट दिख रही थी, इसका राज क्या? सर ये जो वार्ड क्रमांक 54 खोकड़पुरा या अंतर्गत में जमील भाई अपने बागवान साहब इन्होंने सबने मांग की थी कि ये रोड बहुत दिनों से हुआ नहीं, तो अपन ने 22-23 के बजट में ये रोड 15 लाख रख के इसमें अपन ने बजट सीमेंट कॉन्क्रीट बजट लिए. इसके पहले अपनी UID से इसकी ड्रेनेज लाइन करा ली वाली, ये बहुत दिनों से रोड रुके वाला था. मनपा की आर्थिक स्थिति खराब थी उसकी वजह से ये रोड हुआ नहीं था. बाद में अपन ने उसका पार्ट पूरा होकर के रोड पूरा कर लिए, इसकी वजह से सब लोगों का भी रोड होगा, उसके वजह से माहौल अच्छा है इधर का. अभी ये फंड जो जिसने दिया उसमें कौन कौन शामिल है? नहीं ये कॉरपोरेशन का अर्थ संकल्प 2023 और 22 के बजट में से हुए वाला ही. खोकड़पुरा का रास्ता 12 साल से ऐसी बहुत अच्छा हालत खराब हो गए थे रास्ते के, और इस मौके पर हमारे रामेश्वर भाऊ ने इसको पहले ही योजना में लिए थे, उसके स्कीम में लिए थे स्मार्ट सिटी के, तो अब जाके मंजूर हुआ और इस लोग बहुत खुश है अभी रोड बनने के लिए. और अब सब गली के लोग रामेश्वर बहू के साथ है और हम सब गली के लोगों ने मेहनत किए थे, रामेश्वर बहू ने पीछे लग के काम करे और हम उनका शुक्रगुजार करते हैं. खोकड़पुरे के रोड के उद्घाटन के मौके पर हमारे मध्य के आमदार साहब माननीय पंडित जी जसवाल साहब, उसके बाद हमारे ज्येष्ठ नेते मार्गदर्शक संजू गो केलेकर सर और सुनील भाई कोलकर सर, जो आज हमको बोले कि आप टेंशन मत लो, एक करोड़ की निधि देने का काम उन्होंने बोले है और संजू भाई के नेतृत्व में यह काम चालू हुआ है, ये आपने वादा किया है. और संजू भाई केलेकर साहब का बहुत मार्गदर्शन है इस वार्ड में खोकड़पुरा पैटर्न के सब्जी मंडी में, और जयसवाल साहब ने इसके पहले निधि दिए थे हमारे, उसके बाद रोड बनाने उसके बाद अभी रामेश्वर बहू ने निधि में इसको प्लान के हिसाब से वो रोड हुआ है. उसके बाद हमारे यहाँ समीर बाबू राजू पर दादा ज्येष्ठ नेते ये आए हुए हैं, यहाँ सतीश बाबू कटकटे साहब आए हैं, दयाज भाई भागवान साहब आए हैं, अनिल भाऊ मगरे, आरिफ सर, इरफान शेख, हफीज भाई, कलीम भाई, अनिल यादगिरे सर, सुनील सोरोने, अमोल काथर और बाबा लीडर, ये सब हमारे यहाँ इस मौके पर आए हैं. और हम इस मौके पर हम थोड़ा सा वक्त देना चाहते हैं सर, 2 मिनट बात करेंगे तो अच्छा होगा. इस बात हम प्रदीप जसवाल साहब का स्वागत कर लो, इस मौके पर हमारे प्रदीप जसवाल साहब का स्वागत मैं खुद करूँगा जमीन से.